हिमाचल सरकार ने किसानों की फसल ढुलाई के लिए सही समय पर वाहन उपलब्ध कराने के मकसद से किसान रथ ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि किसान रथ ऐप किसान का अपना वाहन होगा। इससे किसानों और व्यापारियों को अपने कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए उचित वाहन सुविधा चुनने में सहायता मिलेगी। किसानों से ऐप डाउनलोड करने की अपील करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को इस ऐप के जरिए 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टरों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही किसानों और व्यापारियों को अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के लिए सुविधा भी उपलब्ध होगी। एक नया ऐप किसान रथ ऐप जो है डेवलप किया है, जिसके लिए केंद्र पूरे राज्यों को, हिमाचल प्रदेश या बाकी सभी राज्यों को कहा गया है कि इस ऐप को जो है अपने किसानों द्वारा हर किसान इसको डाउनलोड करे, जिसका डायरेक्ट किसानों को फायदा होगा। इसमें से पूरे इंडिया में 5 लाख ट्रक्स और 20,000 ट्रैक्टर जो है ऑनलाइन रखा गया है। किसान अपने मोबाइल डाउनलोड में करेगा किसान रथ डाउनलोड इसको ऐप को, ताकि डायरेक्ट किसान जब किसी हालत में किसी किसान को ट्रक की जरूरत पड़ता है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ता है अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से बुकिंग करा सकता है कि उसको वहीं से डायरेक्ट जो है लोएस्ट रेट पर ट्रक भी प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रैक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट करा सके, सब्जी मंडी पहुंचा सके, होलसेल मार्केट तक पहुंचा सके। सर, मैं आज ही 1 बजे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाला हूं, उन्हें इस ऐप के बारे में बताने वाला हूं। मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से जो है हम इस ऐप को जो है पूरे डीसी के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी भेज रहे हैं, ताकि पार्टी के माध्यम से इस ऐप को जो है हर बागवान किसान तक पहुंचाएंगे। हर किसान उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये किसान बागवान इसको ऐप को डाउनलोड करे, ताकि जो है जैसे हमारा फसल तैयार होता है उस स्थिति में उनको समस्या ना हो ट्रांसपोर्टेशन का, इस ऐप का उसका लाभ ले सकते हैं। भारत 9 के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट।